नेक्स्ट सिस्टम, नेक्स्ट सेक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसमें कुछ अच्छी चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं। ओके, सो लेट्स सी। सो सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, तो यूनिट के कितने सिस्टम्स हैं और कहाँ कहाँ या फिर किस कंट्रीज में वो सिस्टम्स यूज़ होते हैं, और उसमें किस तरह के यूनिट्स यूज़ होते हैं वो हम लोग देखेंगे। सो इन मैकेनिक्स, सो मैकेनिक्स बेसिकली इज़ द स्टडी ऑफ मोशन, आप कह सकते हो, या फिर किसी ऑब्जेक्ट का मोशन में स्टडी कर रहे हो, काइनेमेटिक्स काइंड ऑफ थिंग्स, तो वो मैकेनिक्स में आता है। सो अब इन मैकेनिक्स, तो लेंथ, मास एंड टाइम आर द थ्री फंडामेंटल क्वांटिटीज। सो फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने देख लिया, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है, डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है। सो मास, लेंथ एंड टाइम थ्री फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ठीक है, इन मैकेनिक्स। सो उस तरह के इंजीनियरिंग फील्ड्स में। नाउ फॉर द यूनिट्स ऑफ दीज थ्री बेसिक क्वांटिटीज फॉलोइंग सिस्टम्स हैव बीन यूज्ड। सो अब लेंथ, मास और टाइम के कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, और कुछ सिस्टम्स हैं जैसे CGS सिस्टम, FPS सिस्टम, SI सिस्टम। तो इन सिस्टम्स में ये सारे जो आपके फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, इनके कुछ यूनिट्स स्टैंडर्ड किए हुए हैं। जैसे CGS सिस्टम में CGS मीन्स सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। सो सी स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, जी स्टैंड फॉर ग्राम एंड टी स्टैंड एस स्टैंड फॉर सेकेंड। ओके, तो इसीलिए इसको CGS कहते हैं, ठीक है। तो इन CGS सिस्टम में सिंपली पुट, सो सी विल बी सेंटीमीटर, जी विल बी ग्राम एंड एस विल बी सेकेंड। यानी कि अगर आपको लेंथ मेजर करना है तो यू यूज सेंटीमीटर्स, और आपको वेट मेजर करना है तो यूज ग्राम, और अगर आपको सेकेंड यूज करना है तो यूज द टाइम मेजर करना है तो यू यूज द सेकेंड, एज सिंपल एज दैट। ओके, नाउ इन केस ऑफ FPS सिस्टम, देयर इज अनदर सिस्टम कॉल्ड FPS सिस्टम। अब इन दिस सेक्शन, इन दिस सिस्टम, दिस इज सिमिलर टू CGS। ओके, सो FPS सिस्टम में भी उसी तरह का कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स है जो हम लोग यूज करते हैं, विच इज, सो F स्टैंड फॉर फुट एंड मास, इन मास वी यूज पाउंड। सो F स्टैंड फॉर फुट एंड P स्टैंड फॉर पाउंड एंड S स्टैंड फॉर सेकेंड। ओके, एंड यू मेजर द रिलेटेड क्वांटिटीज विद दोज यूनिट्स, ठीक है। तो अगर आपको लेंथ मेजर करना है यू यूज फुट, और अगर आपको मास या वेट, मास मास इज डिफरेंट एज देन वेट। सो अगर आपको मास मेजर करना है तो यू यूज पाउंड, और अगर आपको टाइम यू स्टडी करना है तो यू यूज सेकेंड, ठीक है। सो CGS इज सिंपल एंड FPS इज ऑल्सो सिंपल, एंड सिमिलर थिंग वी हैव MKS। ओके, सो MKS इज ऑल्सो, सो दीज थिंग्स आर जस्ट एब्रीविएशंस। ओके, सो ये सारी चीज़ें बस एब्रीविएशन है, तो आपको इसमें ज़्यादा कुछ याद करने की या कुछ ज़रूरत नहीं है। तो CGS, FPS, बस आपको इसका फुल फॉर्म, और वो फुल फॉर्म भी यू नो वेयर टू फाइंड इट, ठीक है। और तो इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स। तो MKS में आपका M से मीटर हो जाएगा, ठीक है, K से आपका किलोग्राम हो जाएगा, और T से आपका सेकेंड हो जाएगा। आपको बस इसमें याद ये रखना है, या फिर ध्यान में ये रखना है कि क्या क्या मेजर हो रहा है, कौन सी क्वांटिटी मेजर हो रही है, ठीक है। सो द फंडामेंटल क्वांटिटीज दैट वी आर मेजरिंग इन दिस इज इन द सेम सीक्वेंस, विच इज लाइक लेंथ, मास एंड टाइम, ठीक है। सो अगर आप फर्स्ट यूनिट ले रहे हो तो दैट शुड बी ऑफ लेंथ। सो इन CGS अब वो आपका सेंटीमीटर हो गया, या MKS में वो मीटर हो गया, ठीक है, और FPS में वो फुट हो गया, ठीक है। और सिमिलरली मास, मास में ग्राम हो जाएगा, CGS में MKS में किलोग्राम हो जाएगा, और FPS में P इज स्टैंड फॉर पाउंड, और टाइम इज आई थिंक इट्स सेम फॉर ऑल ऑफ देम। सो टाइम तो सेकेंड ही रहेगा सारे में, ठीक है, क्योंकि टाइम का और कोई यूनिट सिंपल यूनिट नहीं है। इसके अलावा भी टाइम के यूनिट्स हैं विच वी विल सी, बट अभी के लिए सेकेंड रखते हैं, ठीक है। सो MKS ऑल्सो स्टैंड फॉर मेट्रिक सिस्टम, तो दिस इज सम एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, अब ध्यान में रखिएगा। सो मेट्रिक सिस्टम होता है, ठीक है, इसमें कुछ समझने की ज़्यादा चीज़ नहीं है। ओके, नाउ अब SI सिस्टम क्यों आया, ठीक है। SI सिस्टम इज अनदर सिस्टम जो कि इज द स्टैंडर्ड सिस्टम दैट इज बींग यूज, ठीक है। सो MKS और CGS और FPS ये सब पुराने हो गए, ठीक है, बिकॉज दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। तो ये कोई स्टैंडर्ड नहीं हुआ, ठीक
तो अब कहीं दूसरे कंट्री में जा रहे हो तो वहाँ एम के एस फॉलो हो रहा है, और जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो या फ्रेंच सिस्टम यहाँ लिखा हुआ है ना, तो यानी फ्रांस में कुछ और सिस्टम चल रहा है, ओके ब्रिटिश में कोई और सिस्टम चल रहा है, तो ये कोई स्टैंडर्ड नहीं हुआ, तो इसीलिए आपका एस आई सिस्टम आया, विच इज स्टैंडर्ड सिस्टम, ठीक है। ओके सो द अबव मेंशन सिस्टम्स आर नाउ नो लॉन्गर इन यूज, सो इसको अब यूज नहीं करते, बट हमको इसको बस नॉलेज के लिए याद रखना चाहिए, एंड आर ओनली ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, ठीक है। सो नाउ वी यूज द एस आई सिस्टम, सो विच इज द सिस्टम ऑफ यूनिट्स, विच इज एन एनलार्ज एंड मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द मेट्रिक सिस्टम, ठीक है। और एक चीज और आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं कि जैसे इसमें बस तीन ही फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर किया गया है, लेंथ, मास और टाइम, तो इन्हीं तीनों का यूनिट जो है वो स्टैंडर्ड है। इसके अलावा बहुत सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, जैसे टेम्परेचर हो गया, लाइट को मेजर करने के लिए ल्यूमेंस होता है, और भी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है विच वी विल सी, करंट हो गया, करंट हो गया, उसके अलावा आप वोल्टेज होता है, पावर होता है, तो इन सब के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं है। पावर इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी, बट लेट्स सी। ओके तो दैट इज वाई एस आई सिस्टम इज इन पिक्चर, ठीक है। और एस आई इज नॉट एब्रीविएशन, ये दिस इज एक्चुअली फ्रेंच, विच इज कॉल्ड सिस्टम इंटरनेशनली, सम प्रोनाउंसिएशन इज देयर फॉर डी यूनिट्स, सो इफ यू कन्वर्ट इट इंटू इंग्लिश देन इट ट्रांसलेट्स इंटू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। सो विच इज एस आई सिस्टम, सो आई थिंक दे आर यूजिंग द सेम एब्रीविएशन इन केस ऑफ फ्रेंच, विच इज सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है। सो दैट इज एस आई सिस्टम। अब एस आई सिस्टम में होता क्या है, सो देर सम बैकग्राउंड हेयर। सो इन 1960 द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट रिकमेंडेड दैट, सो देर मस्ट बी सम कॉन्फ्रेंस जिसमें कुछ साइंटिस्ट लोग सारे कंट्रीज से गए होंगे, वहाँ पे इन्होंने कुछ डिस्कस किया होगा, ठीक है। सो द कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स रिकमेंडेड दैट इन एडिशन टू द यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम, सो लेंथ, मास एंड टाइम ही सिर्फ बता रहा था, एम के एस, सी जी एस और एफ पी एस। सो अदर देन दिस द यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी विच इज फॉर द लाइट, ठीक है, कि कितनी लाइट कितनी ब्राइट है, कम ब्राइट है या ज़्यादा ब्राइट है, ठीक है, वो कैसे पता करेंगे आप, तो दैट इज कॉल्ड एज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। सो दिस इज अनदर फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल क्वांटिटी, ओके। अदर देन दिस वी हैव करेंट एंड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑल्सो टू बी टेकन एज अ फंडामेंटल यूनिट, सो ये सारे भी फंडामेंटल यूनिट्स है, इसको भी किसी और चीज़ से डिराइव नहीं कर सकते, आप टेम्परेचर को किसी और चीज़ से डिराइव नहीं कर सकते, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को किसी और चीज़ से डिराइव नहीं कर सकते, करंट करंट को ब्रेक डाउन और नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को भी फंडामेंटल यूनिट्स में इंक्लूड किया जाए, ठीक है, क्योंकि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि एम के एस, एफ पी एस और सी जी एस सिस्टम में सिर्फ तीन ही फंडामेंटल क्वांटिटीज को प्रायोरिटी दी गई है, ठीक है, सो ओनली लेंथ, मास एंड टाइम, ओके। सो अदर देन दैट एज साइंस प्रोग्रेसेस और फिर बहुत सारी चीज़ें पिक्चर में आ रही है, जैसे अब लाइट, उस टाइम तो उतना बल्ब लाइट्स वो सब होते नहीं थे, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा होती ही थी, ठीक है, तो इसलिए ये सब ओल्ड सिस्टम हो गया, ठीक है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रिसिटी का नहीं है, लाइट का नहीं है, ठीक है, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा, आपका मेडिकल साइंस उतना एडवांस नहीं था, ठीक है, सो टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर और ये सब उतना पिक्चर में नहीं था, ठीक है, देन दैट इज़ वाई इट यूज टू बी लाइक कन्फाइंड टू लेंथ, मास एंड टाइम। अब एज साइंस प्रोग्रेसेस यू नीड यू आर वी आर स्टडिंग मोर लॉज ऑफ नेचर, ठीक है, जो कि फिजिक्स होता है, ठीक है, तो और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, तो वो सारे एक्सपेरिमेंट्स को के आंसर्स को मेजर करने के लिए हम लोग को और भी यूनिट्स की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। तो दैट इज़ वाई इन्होंने डिस्कस किया और इन्होंने इन्होंने डिसाइड किया दैट वी हैव सम मोर यूनिट्स और फंडामेंटल क्वांटिटीज दैट नीड्स टू बी इंक्लूडेड इन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है, विच इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, करेंट, टेम्परेचर, ओके, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑल्सो टू बी टेकन एज अ फंडामेंटल यूनिट्स, एंड द यूनिट्स ऑफ एंगल, अब एंगल मेजर करने के लिए भी, एंड सॉलिड एंगल एज द कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल, एज द कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट, सो ये भी फंडामेंटल क्वान्टिटीज में इंक्लूड होनी चाहिए और इनके यूनिट्स होने चाहिए, ठीक है, जो कि एफ पी एस, एम के एस और सी जी एस नहीं देता है,
ठीक है। सो दस इन ऑल नाउ देयर आर सेवन फंडामेंटल यूनिट्स एंड टू कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स। सो दिस इज समथिंग टू रिमेम्बर, ठीक है, क्योंकि ये एक फिक्स्ड चीज है, ये कन्फाइंड हो गया है, ठीक है। सो वी हैव ओनली सेवन फंडामेंटल यूनिट्स एंड टू कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स। सो कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स एक्स्ट्रा, समथिंग एक्स्ट्रा, ठीक है। सो सेवन मेन फंडामेंटल यूनिट्स हो गए आपके, ठीक है। आप हम नीचे देखेंगे कि क्या क्या है वो। थ्री फंडामेंटल यूनिट्स तो थे आपके लेंथ, मास और टाइम, ठीक है। इसके अलावा चार और फंडामेंटल यूनिट्स आए, एक लाइट का हो गया, एक टेम्परेचर का हो गया, ठीक है। और दो कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स में आपके दोनों डिग्रीज है, जो कि एंगल मेजर करने का काम आता है, एक एंगल और एक सॉलिड एंगल, ठीक है। सो एंगल में हम डिग्री जनरली मैथ्स में यूज करते हैं, बट अदर देन दिस मोस्टली कंप्यूटर कैलकुलेशंस में रेडियंस यूज होता है, ठीक है। सो रेडियन इज अनदर यूनिट टू मेजर एंगल। अगर आप लेट से आप मैथ्स क्लास में आपको बोला गया कि आप 60 डिग्री एंगल बनाओ, ओके, सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। सो एक ऑलमोस्ट 60 डिग्री का एंगल आपका होगा, ठीक है। सो हम डिग्रीज में मेजर कर रहे हैं, 60 डिग्रीज, ठीक है। बट बहुत सारे फील्ड्स में, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट से कंप्यूटर साइंस में, आप डिग्रीज कंप्यूटर को समझ में नहीं आता, ठीक है। सो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू रेडियंस, ओके। सो दैट इज अनदर फंडामेंटल क्वांटिटी, बट दिस फंडामेंटल यूनिट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। सो इट्स लाइक एन एडिशनल थिंग अदर देन द सेवन फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। सो देयर आर टू, सो वन इज रेडियन एंड वन इज अनदर वन फॉर सॉलिड एंगल, सो दैट वी विल सी। ओके, होप इतना क्लियर हो गया। ओके, सो द फॉलोइंग टेबल गिव्स द फंडामेंटल क्वांटिटीज। सो क्या आपके कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ठीक है। तो इसको याद रखने की चीज़ है कि आपके पास सात फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ठीक है। तो अगर आपको लिखने के लिए आएगा तो इट्स कन्फाइंड टू ओनली सेवन, ठीक है, और मोस्ट ऑफ देम आर प्रिटी ऑब्वियस, ठीक है। और टू कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स आपको याद रखनी है कि ये दोनों एंगल मेजर करने के लिए, एक ऑलिड एक एंगल और एक सॉलिड एंगल, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, ओके। सो फॉर द एसआई सिस्टम्स द फॉलोइंग टेबल गिव्स द फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स एंड देयर स्टैंडर्ड सिंबल्स, ठीक है। सो सिंबल्स आर मोस्टली यूज फॉर शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। तो अगर आप आंसर में लिख रहे हैं किलोग्राम, है ना, आप बार बार कैलकुलेट कर रहे हैं किलोग्राम, इतना किलोग्राम इतना किलोग्राम, तो इट बिकम्स टीडियस, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म में केजी केजी लिख दीजिए आप, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। सो व्हाट आर द सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो एज वी हैव ऑलरेडी सीन कि हमारे पास लेंथ, मास और टाइम तो पहले से था, ठीक है। अब इसके अलावा हमारे पास टेम्परेचर भी आ गया, ठीक है। टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एज आई टोल्ड यू कि दिस इज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। तो जैसे आप, अगर आप नया कोई बल्ब या लाइट बल्ब आप खरीदते हो, ठीक है, जब भी आपके घर में आए, तो यू मोस्टली एलईडी लाइट्स, ठीक है। सो इफ यू सी एलईडी लाइट्स, उसके बॉक्स में लिखा रहता है कि कितना ल्यूमेंस है, कितना ल्यूमेंस है, ठीक है, वो लिखा रहेगा। तो जितना ज्यादा ल्यूमेंस होगा वो उतना और ब्राइट होगा उसका लाइट, ठीक है। सो मोस्टली इट्स डायरेक्टली रिलेटेड टू द पावर। तो वो अगर बहुत ज्यादा पावर का अगर वो बल्ब है तो उसका ल्यूमिनस इंटेंसिटी मोस्टली हाई होता है, ठीक है। तो आप नेक्स्ट टाइम अगर आपके घर में आया तो आप नोटिस करिएगा उसके बॉक्स में ल्यूमिनस इंटेंसिटी उसका लिखा रहता है, ठीक है। और इसका यूनिट जो है वो कैंडेला है। सो कैंडेला मे बी यू कैन रिमेम्बर फ्रॉम कैंडल, विच इज एक्चुअली ट्रू, ठीक है। तो वेन दे वेर एक्सपेरिमेंटिंग और वेन दे वेर ट्राइंग टू फाइंड अ यूनिट फॉर लाइट, सो दे स्टडीड सिमिलर, समथिंग सिमिलर। आई हैव ज्यादा नॉलेज तो नहीं है इसके बारे में, बट समथिंग रिलेटेड टू कैंडल, सो मे बी यू कैन रिमेम्बर कैंडल, ओके। तो ये आपको याद करने में आसानी होगी क्योंकि कैंडेला इज वेरी अनकॉमन, सो वी डोंट यूज मच, तो हम लोग के लाइफ में ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, इसलिए इट्स डिफिकल्ट टू रिमेंबर फॉर अस। सो बट यू कैन यूज़, यू कैन इमेजिन कैंडल, ओके, सो इट्स कैंडेला, ओके। सो अदर देन दिस वी हैव इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। सो एज इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो वॉज बींग स्टडीड मोर एंड मोर, सो इलेक्ट्रिक करंट ऑल्सो केम इन टू पिक्चर। नाउ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये मोस्टली मॉलिक्यूलर फिजिक्स में यूज़ होता है, एटॉमिक फिजिक्स में यूज़ होता है,
ठीक है, जहाँ आप छोटी छोटी चीज़ों को मेजर करते हो, जैसे कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, प्रोटॉन का मास कितना है, ठीक है, और उसके अलावा एटम का मास कितना है ना, तो वो सब छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप मॉलिक्यूल को मेजर कर रहे हो क्योंकि मॉलिक्यूल्स भी सबके अलग अलग होते हैं, सबके मॉलिक्यूलर डेंसिटी भी अलग अलग होती है, ठीक है, हर सब्सटेंस का अलग अलग होता है एक दूसरे से, ठीक है, तो ये सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बट वो ऐसा होता है। तो वो सब चीज़ों को मेजर करने के लिए हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आता है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज नॉट लाइक किलोग्राम और ग्राम, विच हम लोग के लिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तो वो हुआ ना, बट दिस सब्सटेंस इज लाइक मॉलिक्यूलर सब्सटेंस और माइक्रोस्कोपिक कह सकते हो आप, ठीक है, तो जो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, तो उन सब चीज़ों को मेजर करने के लिए आपका ये यूज होता है, ठीक है, तो दैट इज अनदर अनकॉमन फंडामेंटल क्वांटिटी। सो दिस इज ऑल्सो अ फंडामेंटल क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक करेंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी होप आप याद रहेगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, सो दिस इज ऑल्सो अ फंडामेंटल क्वांटिटी, टेम्परेचर इज प्रिटी कॉमन, सो टेम्परेचर, लेंथ मास एंड टाइम वी ऑलरेडी हैड, ओके, सो अदर देन दीज सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज वी हैव एंगल एंड सॉलिड एंगल, ओके, सो एंगल एज आई टोल्ड यू कि एंगल इज, सो आप मैथ्स में जब आपका वो मेंशन मेश वो एंगल वाला चैप्टर जब पढ़ाया जाता है, जब आपको मेजरमेंट्स वगैरह पढ़ाया जाता है, जब आपको पेंटागॉन्स और ये सब बनाने के लिए दिया जाता है, तो उसमें स्पेसिफिक एंगल्स भी रहता है, ठीक है, सो दैट इज व्हाट दिस एंगल मींस, ठीक है, रेडियन हम लोग उसको रेडियन में नहीं बोलते हैं क्योंकि कॉमनली ये थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है, बट इट स्टिल इज मेजरमेंट ऑफ अ एंगल, ठीक है, सो हम लोग यूजुअली डिग्रीज यूज करते हैं, बट ये रेडियन है, ठीक है, सो वो भी एंगल ही यूज करने का काम, एंगल ही मेजर करने का काम आता है। सॉलिड एंगल के बारे में ज़्यादा आइडिया तो मुझे नहीं है, बट ये भी सिमिलर टू एंगल, ठीक है, सो आई कैन सर्च सॉलिड एंगल होता क्या है, ठीक है, और वापस नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, तो एंगल के लिए रेडियंस होता है, और सॉलिड एंगल के लिए यू जस्ट टू रिमेम्बर, सो दिस इज ऑल्सो सिमिलर टू रेडियन, ओके, सो ST रेडियन, ओके, ठीक है, अब हम लोग इसके सिंबल्स देखते हैं, तो मोस्टली फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो सिंबल्स होते हैं ना, मोस्टली फंडामेंटल क्वांटिटीज के सिंबल स्मॉल लेटर्स में होते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द, तो अब मीटर है तो मीटर बी स्मॉल होता है m, ओके, द लोअर केस, किलोग्राम लोअर केस, kg, सेकेंड इज ऑलवेज लोअर केस, केल्विन इज टेम्परेचर, तो इसमें हम लोग अपर केस यूज करते हैं, ठीक है, k, सो केल्विन इज टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के लिए हम लोग डिग्री सेल्सियस यूज करते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट भी यूज करते हैं, बट एक्सपेरिमेंटल स्टडीज के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम केल्विन यूज किया जाता है, ठीक है, तो आप बस समझ लीजिए कि ये अलग अलग स्केल है सेम चीज़ को मेजर करने का, ठीक है, मे बी डिग्री सेल्सियस में अगर कोई चीज़ इतनी छोटी होगी तो एक यूनिट इतना होगा, फॉर एग्जाम्पल दिस इज जस्ट वन यूनिट, सो मे बी डिग्री फ़ारेनहाइट में इतना होगा और डिग्री केल्विन में कुछ अलग होगा, ठीक है, इट्स जस्ट द यूनिट इज डिफरेंट बट इट मेजर्स द सेम फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है, सो टेम्परेचर के लिए मोस्टली एक्सपेरिमेंटेशन में केल्विन यूज होता है, तो केल्विन जो है वो के अपर केस होता है, ठीक है, सो यू कैन कनेक्ट इट विद केल्विनेटर, द रेफ्रिजरेटर केल्विनेटर, ठीक है, जो टेम्परेचर को कम रखता है, ठीक है, तो मे बी समथिंग इज रिलेटेड टू दैट, आई डोंट नो, बट या यू कैन रिलेट इट टू केल्विनेटर, तो रिमेम्बर, ठीक है, तो टेम्परेचर्स is केल्विन एंड इट्स अपर केस, ओके, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी रिमेम्बर फ्रॉम कैंडेला, कैंडल कैंडेला, एंड दिस इज ऑल्सो लोअर केस CD, ठीक है, एम्पियर करेंट होता है, ठीक है, तो एम्पियर करेंट होता है और इसमें ए यूज होता है, ये भी आप जैसे आप अगर कोई एक सेल ला रहे हो, ठीक है, पेंसिल सेल होता है ना, जो सेल होता है जो आप घड़ी में लगाते हो, है ना, वॉल क्लॉक में लगाते हो या फिर रिमोट में जो छोटा छोटा सेल लगाते हो, ठीक है, तो उसमें डबल ए लिखा रहता है और एक में ट्रिपल ए लिखा रहता है, ठीक है, तो मे बी यू कैन रिमेम्बर यूजिंग दैट,
ठीक है, तो वो एक 2A बैटरी होता है, एक 3A बैटरी होता है। हम लोग बैटरी बोलते हैं बट एक्चुअली इट्स अ सेल, इट्स नॉट अ बैटरी, इट्स अ सिंगल सेल। ठीक है, तो वहां से आप याद कर सकते हैं। या फिर आप किसी मोटर को कभी देखिएगा तो उस मोटर के ऊपर एक प्लेट रहता है, उस प्लेट पे उसका एम्पियर्स लिखा रहता है। ठीक है, वो कितना एम्पियर का वो मोटर है। ठीक है, तो ये कितना करंट उससे आसानी से पास हो सकता है। ठीक है, और बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में एम्पियर लिखा रहता है। ठीक है, इवन इवन चार्जर्स, द मोबाइल चार्जर्स दैट यू सी, तो उसमें भी उसका एम्पियर रेटिंग लिखा रहता है। ठीक है, कितना करंट आएगा, मोस्टली 0.5 के आसपास रहता है वो। इलेक्ट्रॉनिक्स में करंट बेसिकली बहुत कम होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में करंट हाई होता है। उसके अलावा आपके पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, जो कि हमने बताया कि मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस को आपको स्टडी करने के लिए इसका यूज होता है। तो अब मॉलिक्यूल से आप मोल याद रख सकते हो। ठीक है, बिकॉज इट कम्स फ्रॉम मॉलिक्यूल्स। ओके, तो वहां से आपका मोल आप यूज कर सकते हो। ठीक है, और इसका सिंबल जो है मोल विद अ स्टार और एस्टरिस्क, एस्टरिस्क, यस इट्स एन एस्टरिस्क, यस। सो तो ये सारे यूनिट्स हो गए। ठीक है, होपफुली आपको कुछ इंटरेस्टिंग लगा होगा ये। लेट्स मूव ऑन। ओके, नाउ यूज ऑफ प्रीफिक्स इन द इनर यूनिट। सो ये भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है, और ये भी आजकल बहुत यूज हो रहा है और इट्स बिकमिंग प्रेटी कॉमन। ठीक है, दीज डेज, क्योंकि आजकल मोबाइल, इट्स अ मोबाइल जनरेशन। ठीक है, तो और मोबाइल की वजह से हम लोग, मोबाइल लैपटॉप्स की वजह से बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हम लोग यूज़ करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल गीगाबाइट, टेराबाइट। अभी तो ये सब काफ़ी कॉमन हो गया, सो यू नो व्हाट इज़ अ गीगाबाइट, व्हाट्स अ टेराबाइट, है ना। और तो इट्स अ सब फिक्स, इट्स नॉट अ प्रीफिक्स, वो लेटर के बाद वी विल सी। ठीक है, यूज ऑफ प्रीफिक्स इन विद अ यूनिट। ठीक है, तो प्रीफिक्स क्या होता है ना, तो यूनिट में प्रीफिक्सेस क्या होते हैं। ठीक है, तो होपफुली यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा, और ये प्रीफिक्स वाला पार्ट भी इसी सेक्शन में है, तो हम लोग इसी इसी क्लास में इंक्लूड करते हैं इसको। ओके, सो यूज ऑफ प्रीफिक्स विद अ यूनिट। सो कोई भी एक यूनिट है, जैसे कि ग्राम है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो अब ग्राम इज वन यूनिट। ओके, तो अगर इसको 1000 टाइम्स से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 1000 इज किलो। ठीक है, तो उसमें हम प्रीफिक्स लगा देंगे किलो, सो इट्स अ किलोग्राम। ओके, सो किलो हियर इज द प्रीफिक्स, सो द मेन यूनिट इज ग्राम। ओके, सो अब हम उसको बार बार 1000 लिख के डिनोट नहीं कर सकते, मतलब कर सकते हैं, बट इट इट्स बेटर वे टू रिप्रेजेंट द सेम थिंग। सो वी कैन से केजी इंस्टेड ऑफ इन 2000। और या फिर अगर हम बोल रहे हैं कि 5000 ग्राम की कोई चीज है ना, तो उससे अच्छा हम 5 किलोग्राम बोले, है ना। और 5 किलोग्राम, सो जो किलो जो है, जो किलो है, विच इज प्रीफिक्स, मतलब होता है जो पहले लगता है। ठीक है, किसी वर्ड के अगर पहले कुछ लगता है तो दैट इज अ प्रीफिक्स। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से इन केस ऑफ मैन, वी आर लाइक वी यूज मास्टर और मिस्टर। ओके, सो मिस्टर फर्स्ट नेम लास्ट नेम, है ना, सो मिस्टर इज अ प्रीफिक्स। सो उसी तरह फीमेल के लिए मिस या मिसेज यूज किया जाता है ना, सो दैट्स अ प्रीफिक्स। ठीक है, सो प्रीफिक्स वही होता है, प्रीफिक्स इज समथिंग दैट कम्स, दैट प्रिसीड्स अ लेटर, और हियर इन केस ऑफ यूनिट्स, यूनिट। ठीक है, सो अब किसी यूनिट के पहले जो चीज़ हम लगाते हैं, जो जो वर्ड लगाते हैं, या कोई सब वर्ड हम लगाते हैं, तो उसको हम लोग प्रीफिक्स कहते हैं। ठीक है, इट्स काइंड ऑफ एन एडजेक्टिव, बट ठीक है, लेट्स सी, नॉट गेट फिलोसफिकल। ओके, सो वी हैव ऑल्सो डेका, हेक्टा। सो डेका, इफ यू सो डेका मीन्स समथिंग रिलेटेड टू 10, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल पेंटा, इफ यू से पेंटा, सो पेंटागॉन, पेंटागॉन इफ यू रिमेंबर, सो पेंटा इफ यू यूज, देन इट्स समथिंग सिम रिलेटेड टू 5। ठीक है, 5 टाइम्स और समथिंग। एंड हेक्टा इफ यू सी, सो वी हैव हेक्सागॉन, है ना, सो हेक्सागॉन, सो हेक्सागॉन कम्स फ्रॉम हेक्ट विथ सम सम समथिंग एल्स, है ना। सो दैट इज वाई हेक्टा इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू पावर ऑफ 6, है ना। सो वाई वी आर सेइंग पावर ऑफ 6 और पावर ऑफ 10, ओके,
इज बिकॉज अगर आप किलोग्राम को अगर आप देखो एक बार, लेट्स सी हम लोग किलोग्राम को देखते हैं कि किलोग्राम एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। सो किलोग्राम अगर हम बोले विच इज वन, अच्छा हम लोग चेंज कर लेते हैं, तो कमिंग बैक, सॉरी फॉर द ग्लिच, ठीक है। तो हम लोग अभी एक किलोग्राम को देखते हैं कि एक किलोग्राम होता क्या एक्चुअली। एक किलोग्राम मतलब कि जैसे वन अगर किलोग्राम हम लोग लिख रहे हैं विच इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स हम कह सकते हैं, ठीक है। विच इज इक्वल टू व्हाट, 10 × 10 × 10 ग्राम्स है ना, ये हम कह सकते हैं 10 × 10 × 10, ठीक है। तो इसीलिए अब यहाँ पे एक्चुअली मैथ्स में हम लोग इसको बार बार 10 × 10 × 10 नहीं लिखते हैं, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं कि 10 to the power of 3, ठीक है। सो 10 पे पावर कितनी है, 3, यानी कि आप सिंपली इसको कैलकुलेट अगर करोगे तो 10 × 10 × 10 कर दो, सो विच मीन्स 10 to the power 3, ठीक है, और 10 raised to 3, ठीक है। सो 10 raised to 3 जो हो गई है, तो इसीलिए ये एक किलोग्राम है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप किलोग्राम अगर लिख रहे हो तो इट्स इट विल बी 10 to the power 3, ठीक है। तो उसी तरह से अगर आप लिख रहे हो कि हेक्टो, ओके मे बी इफ यू से हेक्टोग्राम, ठीक है, इफ यू से हेक्टोग्राम, सो और मे बी डेकाग्राम, सो डेकाग्राम विल बी आई थिंक हेक्टो इज 7 or 6, ओके वील सी, ओके। सो डेका इज 10 to the power 10, ठीक है। सो अगर हम बोलेंगे कि डेकाग्राम है, यानी कि इट विल बी 10 × 10 × 10, ऐसे करके 10 × 10 लिखना पड़ेगा, इतना ग्राम्स होगा, ठीक है। सो दैट इज डेकाग्राम, ओके। सो अब इतना नहीं लिख करके हम सिंपली लिख देंगे डेका, डेका इज द प्रीफिक्स एंड वी विल से ग्राम, ठीक है। सो डेकाग्राम, सो इट्स सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। तो इसीलिए प्रीफिक्सेस यूज होते हैं, ओके। सो नाउडेज 1 mole मींस 1 kg, मोल इक्वल टू 6 × 10 to the power 26 एंटिटीज एटम्स, और ये सब नहीं चाहते अभी, ठीक है, इट्स गोइंग टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स, ओके। तो अभी कुछ प्रीफिक्सेस हम लोग देखते हैं कि किस किस तरह के प्रीफिक्स यूज होते हैं, ओके। ओके सो सॉरी, आई थिंक आई नीड अ करेक्शन। सो हेक्टो इज नॉट 10 to the power 6, सो इट इज 10 to the power 2, ठीक है। सो डेका, जैसे आप बोल रहे हो डेकेड, ठीक है, डेकेड, डेकेड इज व्हाट, 10 years, है ना। सो उसी तरह से आप रिमेम्बर याद कर सकते हो कि डेका इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू 10, है ना। सो अगर 10 × nothing हम लिखेंगे तो दैट इज 10 to the power 10 raised to power 1, ठीक है, 10 raised to power 1, और अगर 10 raised to power 2 है, यानी कि 10 × 10 होगा, ठीक है। सो 10 × 10, या फिर अगर 10 raised to power 2 है, सो दैट इज हेक्टो, ओके। सो आई स्टैंड करेक्टेड, सो हेक्टो इज नॉट 10 to the power 6, बट इट इज 10 to the power 2, यानी आप 10 को दो बार मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 10 × 10, सो दैट इज हेक्टो। और डेका, एज वी से डेकेड इज 10 years, है ना, डेकेड इज 10 years, सो दिस इज समथिंग मल्टीप्लाइड टू 10। अगर आप बोलोगे कि डेकाग्राम, डेकाग्राम अगर बोलोगे, है ना, तो डेकाग्राम, ठीक है, सो व्हाट इट विल बी, इट विल बी 10 grams, सिंपली पुट इट विल बी 10 grams, ठीक है। और अगर आप बोलोगे कि हेक्टोग्राम,
है ना। सो हेक्टोग्राम विल बी एक्चुअली 10 × 10 ग्राम्स, विच इज 10 × 10 और 10^2, और 10 × 10 इज 100 ग्राम्स। ठीक है, तो अगर कोई आपसे बोल रहा है कि 100 ग्राम्स को आप हेक्टोग्राम में, हेक्टो में कन्वर्ट करो, ठीक है, मुझे हेक्टो प्रीफिक्स चाहिए, ठीक है, सो व्हाट यू विल से इज, इसको आप सिंपली 10 से 100 कितना बार 10 टाइम्स जाएगा, जैसे 10 × 10 100 होता है, ये हमको पता है, तो 10 × 10 कर लेंगे। ठीक है, सो ये 2 बार हुआ तो यानी कि 1 डे का ग्राम हो जाएगा ये, ठीक है, 1 डे का, सॉरी हेक्टोग्राम, 1 हेक्टोग्राम, ठीक है, सो 1 हेक्टोग्राम हो जाएगा। ओके, ओके, सो सिमिलरली वी हैव किलोग्राम, सो किलोग्राम इज 10^3, विच इज 10 × 10 × 10 और 1000। ठीक है, तो 1 किलोग्राम अगर होता है तो ये क्या होता है, 1000 ग्राम्स होता है ना, तो 1000 ग्राम्स होता है, तो 1000 को क्या हम क्या लिख सकते हैं, 10 × 10 × 10, विच इज वॉट, 10^3। ठीक है, तो 10 को आप कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, 3 बार, है ना, 3 टाइम्स, तो इसीलिए 10^3। ओके ओके, तो इसी तरह मेगा, है ना, गीगा, टेरा। ओके, अब मेगा, गीगा और टेरा जो है, अब यहां से आपका देख रहे हो सिंबल्स जो होता है वो अपर केस में हो जाता है। ठीक है, इससे पहले जो आप डेका हो गया या हेक्टो हो गया या किलोग्राम हो गया, ये सारे हम लोग लोअर केस में यूज करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, ठीक है, तो ये सारे जो मेजरमेंट्स के जो जो प्रीफिक्सेस हैं, ओके, तो ये सारे आपका अपर केस में यूज होता है। अब जैसे बहुत आपने मेगाबाइट सुना होगा, है ना, जैसे MB सुना होगा, जैसे आपको कोई वीडियो है तो वो कुछ MB की होती है, कोई गेम आप डाउनलोड कर रहे हो तो वो कुछ MB की होती है ना, तो MB क्या है, इज मेगाबाइट्स। ठीक है, तो मेगा बाइट्स होता है वो। ओके, सो मेगा इज वॉट, प्रीफिक्स। अगर आप कुछ मूवी डाउनलोड करो तो मोस्टली वो GB में होती है, या कंप्यूटर गेम डाउनलोड करो तो GB में, आजकल तो मोबाइल गेम भी GB में होता है ना, या फिर अगर आपका लैपटॉप लेट से आप ले रहे हो तो 500 GB के आसपास का, या 250 GB का बेसिक लैपटॉप आपको मिलता है। ठीक है, तो वॉट इज दैट GB, GB इज गीगा बाइट्स। ठीक है, गीगा बाइट्स, तो आपका बेसिक यूनिट क्या है, बाइट है यहाँ पे, है ना, तो डेटा का यूनिट होता है एक्चुअली बाइट्स, कितना डेटा आप स्टोर कर रहे हो वो बाइट्स में होता है। तो अब उसमें प्रीफिक्स आप लगाओगे गीगाबाइट्स, तो यानी आपका 1 बाइट का 10^9 हो जा रहा है। ठीक है, अगर मेगाबाइट्स आप बोल रहे हो, यानी कि अगर 1 MB की आपकी एक वीडियो है, तो यानी कि उसमें कितने बाइट्स हो जाएंगे, उसमें 10^6 बाइट्स हो जाएंगे। ठीक है, विच इज अलॉट। ठीक है, सो 10^6 यानी कि आपके जीरो कितने लगेंगे, 6 जीरोस लगेंगे। ठीक है, सो इट विल बी 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10, 6 टाइम्स। ठीक है, तो अब आप इसको 1 मिलियन ना लिख करके आप बस लिख दो 10^6। ओके, सो ये आपका मेगा हो जाएगा। ओके, सो किलो, देन मेगा, और फिर गीगा। सो गीगाबाइट्स अगर आप बोल रहे हो, यानी कि इट विल बी 10^9, और इट विल बी 9 जीरोस। ठीक है, 3, 3 एंड 3। ठीक है, आप 9 जीरोस ना लिख करके यू जस्ट से 10^9। ओके, अब आजकल तो जो लैपटॉप्स आ रहे हैं वो टेराबाइट्स की मेमोरी के साथ आ रहे हैं। ठीक है, सो टेरा बाइट्स की मेमोरी, सो वॉट इज टेरा बाइट्स, सो टेरा में आपका हो गया 10^12, यानी इसकी मेमोरी और भी ज्यादा है उससे, और सो गीगा बाइट्स से और 1000 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, 1000, यानी 10^3 का डिफरेंस है दोनों में, इन दोनों के बीच में भी सेम डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में भी सेम डिफरेंस है, यानी कि 1000 का डिफरेंस है ना। ओके, सो
अब टेराबाइट्स इज 10^12, सो इनिशियली यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन बट यू विल हैव टू रिमेंबर दीज। अगर आप उसको शुरू से रिलेट करो तो मे बी आपके लिए वो कैलकुलेशन आसान होगा, क्योंकि आप किलो तो समझते हो, किलो तो बेसिक आप जानते ही हो कि 10^3 है, विच इज़ कॉमन। अब किलो के बाद आएगा मेगा, गीगा एंड टेरा। तो मेगा, गीगा एंड टेरा दीज डेज इट्स इट्स अ कॉमन, सो अब आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। एंड देन वी हैव पीटा, एक्सा, जीटा एंड योटा। ओके, सो इन सारे का एग्जाम्पल्स तो मेरे पास नहीं है, बट दे आर ऑल्सो यूजफुल। ओके, सो मे बी एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस जो आपका होता है, जैसे अगर आप दो प्लैनेट्स के बीच में डिफरेंस डिस्टेंस बता रहे हो, तो मे बी इन दोज केसेस वी कैन यूज कि इतना लाइट ईयर। सो अब लेट्स से लाइट ईयर्स में यूज होता है, सो अगर बहुत सारे लाइट ईयर्स हैं, अगर आप बोल रहे हो कि इतने सारे लाइट ईयर्स हैं, तो अब वो 10^24, अगर 24 जीरोस के लाइट ईयर्स है, तो आप उसको आप योटा बोल दो या जेटा बोल दो, जितना भी आपका है, ठीक है। तो मे बी एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस की जो आप यूनिट्स होते हैं या जो एक्चुअली क्वांटिटीज है, तो उसको आप इन सब चीज़ों से डिनोट कर सकते हो, ठीक है। पीटा, एक्सा, जीटा एंड योटा। ओके, सो होपफुली वी आर गुड सो फार, ठीक है। ओके, ओके अब ये सारी जो प्रीफिक्सेस थी अभी तक, तो वो और बड़ा करने की थी, ठीक है। सो इट इज मोर एंड मोर एंड मोर। ओके, सो इट वाज लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम 10 to 100 टू 1000 टू 1 मिलियन टू 10^9, एंड देन जीरोज वेर इंक्रीजिंग, ठीक है। तो ये और बड़ा हो रहा है, ठीक है। डेका से हेक्टो, फिर किलो, किलो से फिर मेगा, गीगा, टेरा, ये आप नीचे जा रहे हो तो वो और बड़ा होते जा रहा है क्वांटिटी, ठीक है। तो दीज प्रीफिक्सेस मोस्टली बड़ी चीज़ों को डिनोट करने के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। अब आप और छोटे से छोटी चीज़ों पे अगर आप जाओगे, जैसे माइक्रोस्कोपिक चीज़ें जो होती है, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक चीज़ें जो होती है जो स्टडी करने के लिए जो यूज़ होता है, तो उसमें वो और छोटा से छोटा से छोटा होता जाता है, ठीक है। तो उन सबको हम कैसे डिनोट करेंगे, तो उसके लिए अलग आपका प्रीफिक्स है, ठीक है। क्योंकि ये और छोटा हो रहा है, तो इसको इट्स 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 साइज इज डिक्रीजिंग, तो इसका प्रीफिक्सेस अलग होते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा है कि द वेरियस स्मॉल मेजरमेंट्स आर एक्सप्रेस्ड बाय यूजिंग द प्रीफिक्सेस डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो एटसेट्रा। ओके, सो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, ठीक है, तो जैसे ये सारी चीजें रिलेटेड थी किससे, जैसे लेट्स से डेकाग्राम, हेक्टोग्राम या किलोग्राम, है ना, तो ये सारी ग्राम से रिलेटेड थी। तो ग्राम अगर और बड़ा ग्राम हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल 1000 ग्राम हुआ, तो उसको हम किलोग्राम बोल रहे हैं। अगर 100 ग्राम हुआ तो उसको हम लोग हेक्टोग्राम बोल रहे हैं, या 10 ग्राम है तो उसको डेकाग्राम बोल रहे हैं, ठीक है। तो यानी बड़ी चीजों को डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, जैसे ग्राम से और बड़ा हो रहा है। तो अब अगर उससे और छोटा होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मीटर, है ना, अगर मीटर से कुछ और छोटा है ना, तो जिसको मीटर में हम नहीं नाप पा रहे हैं, तो और छोटा है वो, ठीक है। अब अगर फीट और इंच आप देखेंगे, तो अगर 12 इंचेस का 1 फीट होता है, ठीक है, तो अगर कोई चीज़ 1 इंच की है तो आप 1 इंच बोल सकते हो, बट इन केस ऑफ मीटर्स, मीटर्स में कुछ और उससे छोटा चीज़ होता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम वहाँ पे सेंटीमीटर, मिलीमीटर यूज करते हैं, ठीक है। मीटर इज ऑलमोस्ट लाइक 3 3 फीट, 3.3 फीट, ठीक है। तो अब इन केस ऑफ मीटर्स, आपका मीटर से छोटा कुछ नहीं होता है, तो दैट इज वाई वी यूज डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, ठीक है। और माइक्रोमीटर इज इवन स्मॉलर, नैनोमीटर। सो नैनोमीटर इफ यू सी इन सम एड्स, मे बी मोबाइल सेलफोन का एड्स आजकल आता है, नैनोमीटर चिप, नैनो चिप, ला ला ला, ठीक है। या फिर नैनो टेक्नोलॉजी है, सो नैनो टेक्नोलॉजी इज व्हाट, समथिंग व्हिच इज वेरी स्मॉल, ओके, वेयर द मशीन्स आर लाइक वेरी वेरी स्मॉल, सो यू कांट इवन सी विद योर नेकेड आई, है ना, वो आंखों से आपको दिखेगा नहीं, बट वो बहुत ही छोटा रहेगा, ठीक
है ना, समथिंग विच इज यूज टू यूज इन मेडिकल साइंस, जैसे कि पेसमेकर्स वगैरह, या फिर आपका किसी हार्ट ब्लॉकेज या इस तरह की चीज़ों को रिलीज करने के लिए वहाँ पर मेडिकल साइंसेज में नैनो टेक्नोलॉजी काफ़ी यूज़ होती है। ओके, और माइक्रो, अगर आप बायोलैब में या फिर माइक्रोस्कोप से आप कोई भी चीज़ देख रहे हो तो वो मोस्टली माइक्रो यूनिट्स के होते हैं, ठीक है। और मिलीमीटर तो आप आसानी से देख सकते हो। तो एक एग्जांपल हम दे सकते हैं कि जैसे अगर आप एक आप पेन खरीद रहे हो तो पेन का जो बॉल पॉइंट होता है ना, तो वो मोस्टली मिलीमीटर्स में होता है, 0.5 mm, है ना। आई थिंक सबसे छोटा 0.5 mm ही होता है, उससे अगर थोड़ा मोटा आपका रिफिल है तो इट्स 0.8, है ना। सेलो ग्रिपर मोस्टली इस 0.5, अगर आप थोड़ा जेटर वगैरह ले रहे हो तो उस 0.8 होता है। तो दैट 0.8 इज वॉट, 0.8 mm, सो दैट इज मिलीमीटर। वो उसका आई गेस रेडियस होगा या डायमीटर होगा, आई डोंट नो। वो जो एकदम छोटा सा जो बॉल होता है, वो बॉल पॉइंट पेन के नीचे एक बहुत छोटा सा बॉल होता है जो रोल करता रहता है, जिससे आपका लिखाता है वो, है ना, इंक इंक रिलीज होता है स्लोली। तो दैट बॉल का जो मेजरमेंट है, इट इज सो स्मॉल कि आप उसको मीटर में कैसे बताओगे किसी को, तो वो इट डजेंट मेक सेंस, है ना। तो इसीलिए वहां पे मिलीमीटर यूज होता है, ठीक है। सेंटीमीटर इज नॉट वेरी स्मॉल, कि क्योंकि सेंटीमीटर्स आप हाइट हाइट जो मोस्टली आर्मी या मेडिकल, आप अगर आप अपना चेकअप कराने जाओगे तो वहां पे हाइट आपका सेंटीमीटर्स में आपको बताएगा, कि आजकल स्केल में मोस्टली सेंटीमीटर्स ही रह रहा है, ठीक है। सेंटीमीटर हो गया, डेसीमीटर, डेसीमीटर डेस, सो एज डी इज देयर डेका, है ना, सो डेका इज रिलेटेड टू 10, ठीक है। बट हियर अगर आप नोटिस कर रहे हो तो पावर जो है वो माइनस है, ठीक है, पावर नेगेटिव में है। अगर आप ऊपर जाओगे तो यहाँ पावर जो सारी थी पॉजिटिव में है, यानी कि सारी चीजें, सॉरी, सो 10 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, 10 × 10 × 10 हो रहा है। बट अब -1 का क्या मतलब है, ठीक है। अगर 10^-1 है, इसका मतलब है कि आप 10 से उसको डिवाइड करो, ठीक है। तो एक एक सिंपल एग्जांपल हम देते हैं यहाँ पे, जैसे कि अगर आपके पास ये एक लेट से लाइन है, ठीक है। सो मान लीजिए कि ये लाइन जो है वो आपकी ये 1 मीटर का है, फॉर एग्जाम्पल, ओके, लेट्स से इफ दिस इज 1 मीटर, ओके। अब अगर इसको आप 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ठीक है, आप 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेट्स से ये 10 है, ठीक है। अगर आपका 10 पार्ट्स में डिवाइड हो गया तो ये एक पार्ट जो है आपका, ये एक पार्ट जो है वो हो जाएगा आपका डेसीमीटर, ठीक है। सो दिस विल बी डेसीमीटर, ठीक है। और इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, और जो मेरा 1 मीटर था, ठीक है, 1 मीटर डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। सो 1 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू 10^-1, ठीक है। तो अगर किसी भी क्वांटिटी का पावर जो नेगेटिव में होता है, यानी कि वो मल्टीप्लाई नहीं है, इट्स नॉट मल्टीप्लीकेशन, इट्स डिविजन, वो नीचे आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है। सो अगर 10^-1 है, यानी कि वो कोई भी चीज़ अगर 10^-1 है, लेट्स से, तो उसको आप डिवाइड कर दीजिए सिंपली 10 से, ठीक है। तो अब हर बार बार हम इसको डिवाइडेड बाय 10 लिखना थोड़ा मुश्किल होता है, मुश्किल नहीं होता, बट इट्स इट्स नॉट कन्वीनियंट टू राइट इन अ सिंगल लाइन, है ना। तो आप सिंगल लाइन में 10^-1 लिख दो, ठीक है। सो 10^-1 माइनस वन इज नथिंग बट यू डिवाइडेड बाई -1 बाई 10, ठीक है। तो अगर आप कह रहे हो लेट्स से 5 डेसीमीटर, है ना, सो 5 डेसीमीटर अगर आपका है, अगर 5 डेसीमीटर कोई भी कोई आपका लेंथ है, तो दैट मीन्स इट विल बी 5 × 10^-1 m, ठीक है। सो कई बार आपका जो क्वेश्चंस आएगा, लेट्स से अगर आपको ऐसा भी आ सकता है कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, आपका न्यूमेरिकल यहाँ पे लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स है, और यहाँ पे आपका मीटर में लिखा हुआ है, ठीक है। बट जो
प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इसमें आपका जो क्वांटिटी लिखा हुआ है, लेट्स से वो 5 डेसीमीटर बोल दिया है कि इट्स इट्स लेंथ इज 5 डेसीमीटर, पर आपका जो आंसर आएगा वो मीटर में अगर आपका आ रहा है तो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर्स। ठीक है, अब डेसीमीटर को आप मीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो 5 × 10⁻¹। ठीक है, तो जितना भी डेसीमीटर रहेगा उसको आप −10⁻¹ कर दीजिए। ठीक है, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, सो मल्टीप्लाइंग समथिंग बाई 10⁻¹ इज इक्वल टू डिवाइडिंग इट बाई 10। इट्स अ लिटिल कन्फ्यूजिंग इन द इनिश बिगिनिंग, बट आप एक बार इसको सोचेंगे तो ध्यान में आ सकता है। ठीक है, सो दैट इज वाई यहाँ पे हर चीज में पावर जो है वो −1 में है, 10⁻¹। अगर सेंटीमीटर है, यानी कि आपकी जो लाइन है, जैसे आपकी लाइन है, ठीक है, ये 1 मीटर की लाइन थी, तो इसको आप अब सेंटीमीटर है, सेंट सेंट, अगर आप सेंट फॉर एग्जांपल सेंचुरी है ना, सेंचुरी होती है ना, तो सेंचुरी में क्या होता है, 100 रन्स होते हैं, तो सेंट इज रिलेटेड टू 100। ठीक है, तो अब आपका सेंटीमीटर है, यानी कि ये अगर 1 मीटर का लाइन है, तो ये 1 मीटर का लाइन है, तो आप इसको 100 टाइम्स डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये बन जाएगा कि सेंटीमीटर। सो एक यूनिट जो चीज होगा, एक यूनिट जो होगा वो इट विल बी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, सो अगर आपने 3 इडियट्स देखी है, तो उसमें जो जो एक एक जो वार्ड बॉय होता है, ठीक है, जो हॉस्टल बॉय होता है, जो सबकी हेल्प करता है, तो वो उसका पहले नाम रहता है क्या, मिलीमीटर। ठीक है, उसको पहले सब मिलीमीटर मिलीमीटर बुलाते हैं। ठीक है, तो जब फिल्म का जो क्लाइमेक्स होता है, लास्ट में आपका जब होता है, तो उस वो बोलता है कि मेरा नाम अब सेंटीमीटर नहीं, मिलीमीटर नहीं है, मैं सेंटीमीटर हो गया हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं बड़ा हो गया हूँ। मे बी यू कैन रिमेम्बर लाइक दैट। ठीक है, कि सेंटीमीटर जो है वो मिलीमीटर से बड़ा होगा। ठीक है, और मिली जो है, मिली मिली डिनोट्स मिलियन। ठीक है, मिलियन है ना, सो मिलियन इज वॉट, मिलियन इज, सो दिस इज मिलियन है ना। मिलियन का मतलब होता है कि ऑलमोस्ट 10⁻³ होता है वो। ठीक है, तो यानी कि आप जो भी लेट से अगर बट ये नेगेटिव में होगा, क्योंकि ये मिली है ना, और ये मिली है, और ये आप मीटर से और छोटा कर रहे हो, तो ये कोई भी चीज़ को आप डिवाइड करोगे 1000 से। सो लेट से अगर ये आपकी 1 मीटर की लाइन है, होप आई एम नॉट कन्फ्यूजिंग, अगर ये अगर 1 मीटर की लाइन है, ठीक है, और इसको अगर हम 1 मिलियन, अगर हम इसको 1000 बार डिवाइड कर दे, छोटा 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 और छोटा कर दे, ठीक है, सो मेक इट ऑलमोस्ट डिवाइडेड बाई 1000, अगर 1000 टाइम्स हम इसको डिवाइड कर दे इस लाइन को, 1 मीटर की लाइन को, तो जो एक यूनिट जो निकलेगा इसमें से, दैट 1 यूनिट विल बी डिवाइडेड बाई 1000, सो दिस इज 1000 टाइम्स ऑफ 1 मीटर है ना। सो 1 मीटर का 1000वां हिस्सा है ये। ठीक है, और इसको हम क्या कह सकते हैं, इज इक्वल टू 10⁻³, क्योंकि नीचे में कितने जीरो है, 1, 2, 3 जीरोस है, तो इसीलिए 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिलीमीटर। ठीक है, ओके, होपफुली एवरीथिंग इज क्लियर सो फार। माइक्रो 10⁻⁶। ठीक है, तो माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर भी चीजें होती है जो आपके माइक्रोस्कोप से दिखती है। ठीक है, तो वो व्यू, सो वहां से माइक्रो आया है, सो माइक्रोस्कोप का जो वर्ड है उससे रिलेटेड है माइक्रो। ठीक है, और इसका ये जो सिंबल है, ये माइक्रो का सिंबल होता है। ठीक है, ये ऐसा ऐसा होता है, एक्चुअली ये यू जैसा होता है, बट आपका फर्स्ट में भी यहाँ पे एक लाइन होता है, सो दिस इज माइक्रो का सिंबल। ठीक है, सो ये माइक्रो है, और माइक्रो जो होता है इज इक्वल टू 10⁻⁶ होता है माइक्रो। ठीक है, ओके, अब नैनो। सो नैनो आप 9 से रिमेंबर कर सकते हो, नैनो, सो इट इज, इसीलिए 10⁻⁹ है। ठीक है, तो अब आप सोचो कि जैसे 1 मीटर की जो लाइन है, 1 मीटर की जो लाइन है, आप इसको
10 रेस्ट टू पावर्स 9 से डिवाइड कर दो, है ना। यानी ये 1 मीटर की अगर लाइन है, आप इसको कितनी बार डिवाइड करोगे? आप इसको ये इतनी बार करोगे तो वो मिली हुआ, ठीक है। इसके बाद और 3 जीरो से डिवाइड करोगे तो ये आपका, और 3 10 टाइम्स डिवाइड करोगे तो आपका ये दिस विल बी माइक्रो, है ना। सॉरी, यस, सो दिस विल बी माइक्रो। और इससे आप और 3 जीरो इसमें और ऐड कर दो, है ना। तो इस लाइन को आप और 1000 टाइम्स डिवाइड कर दो, देन इट विल बी 10 रेज टू द पावर -9। ठीक है, ओके, सो विच इज नैनो। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि जैसे जो नैनो टेक्नोलॉजी की जो मशीन्स होती हैं तो वो कितनी छोटी होती है, ठीक है। सो इट इज लाइक डिवाइडेड बाय 10 10 टू द पावर 9 टाइम्स, ठीक है। इसीलिए 10 टू द पावर -9 है नैनो का यूनिट, ठीक है। तो अभी बहुत सारे जो चिप्स भी आती है वो नैनो चिप्स होती है। तो नैनो चिप्स क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि उसकी साइज इतनी छोटी होती है, ठीक है। सो इट इफ यू टेक इट इन योर फिंगर, वो एक डॉट के बराबर होगा, ठीक है। आपको नजर भी नहीं आएगा, वो इतना छोटा होता है, ठीक है। वो उतना छोटा सा कंप्यूटर होता है वो, दैट ऑपरेट्स द होल मोबाइल फोन। तो इसीलिए उसको नैनो चिप बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि इसको साइज जो होती है तो वो नैनो का होता है। अब उसके अंदर जो होता है वो सर्किट्स होती है। सोचो आप कितना छोटा सर्किट होता होगा, वो कितने छोटे छोटे उसमें वायर्स होते होंगे, जो आपको जब उसका पूरा चिप ही नहीं दिख रहा है आपको, तो उसका वायर्स कहाँ से दिखेगा। तो सो उस तरह की टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए भी बहुत बहुत हाईटेक मशीन्स लगती है, जो कि सारी कंट्रीज के पास नहीं होती है, ठीक है। सो दैट इज़ वाई लॉट ऑफ कंट्रीज डोमिनेट इन इन चिप मार्केट। मे बी आई एम गोइंग इन टू लिटिल पॉलिटिकल, बट सॉरी। सो तो वो होता है नैनो, ठीक है। 10 रेज टू द पावर -9। ओके, सो लेट मी प्लग इन द चार्जर, सॉरी। ओके, सो कमिंग बैक, सो हम लोग थे कहाँ पे? नैनो, ठीक है। अब नैनो से आप और छोटे चले जाओ तो फिर इट इज पिको, और 2 टाइम्स माइक्रो, ठीक है। क्योंकि माइक्रो जो है अब 10 टू द पावर -6 है। अब 2 टाइम्स दैट ऑफ उसका 2 टाइम्स अगर 2 गुना कर दोगे तो 10 टू द पावर -12, ठीक है। फिर फेमटो, एटो, जेप्टो, योटो, सो दिस इज ऑल टू रिमेम्बर, ठीक है, किसमें कितना होता है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं। सो एग्जाम्पल्स में क्या है, जैसे 2.5 गीगाहर्ट्स, ठीक है। गीगाहर्ट्स, हर्ट्स जो है एक फंडामेंटल यूनिट है, ओके, विच इज अनदर फंडामेंटल यूनिट। हर्ट्स साउंड का यूनिट होता है, ठीक है। साउंड का यूनिट होता है हर्ट्स, या मोस्टली फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है। फ्रीक्वेंसी, हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का कंटेक्स्ट है तो हम लोग फ्रीक्वेंसी कर सकते हैं, ठीक है। तो गीगा हर्ट्स जो होता है, आप आजकल देखोगे कंप्यूटर अगर आप खरीदने जाओगे तो उसका प्रोसेसर जो होता है वो गीगा हर्ट्स का होता है। उसका यूनिट ऑलमोस्ट 2.5 के आसपास का गीगा हर्ट्स का प्रोसेसर होता है, ठीक है। तो यानी उसकी जो क्लॉक है, वो कंप्यूटर की जो क्लॉक है, ठीक है, तो वो इतनी तेज फ्रीक्वेंसी से वो काम करती है, ठीक है। तो वो इतना स्पीड है, तो जितना ज़्यादा आपका गीगा हर्ट्स होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा उसका पावर होगा, यानी उसका उसका ज्यादा स्पीड होगा, कंप्यूटर का उतना स्पीड होगा, ठीक है। सो दैट इज वाई वो गीगा हर्ट्स वगैरह इंपॉर्टेंट होता है जब आप कंप्यूटर खरीदने जाओगे, ठीक है। वो होता है ना Pentium 3, Pentium 4, अब Pentium तो नहीं होता है, अब इंटेल आता है, तो इंटेल i3, i4, i5 वो सब आता है ना, ठीक है। तो वो सब क्या होता है उसमें, वेरियस गीगा हर्ट्स और ज्यादा होता है उसका क्लॉक स्पीड, और ज्यादा होता है, ठीक है। सो दैट इज वाई गीगा हर्ट्स इज इम्पोर्टेंट। सो हर्ट्स इज एक्चुअली फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है, ठीक है। और गीगा गीगा इज वॉट, गीगा आप ऊपर देख लो, ठीक है। सो गीगा इज वॉट, 10 टू द पावर 9, है ना, जैसे गीगा बाइट्स। तो इसी तरह से आपका गीगा हर्ट्स भी होता है, ठीक है। सो 2.5 गीगा हर्ट्स, तो अब आपको पता है कि 2.5 गीगा हर्ट्स क्या होगा, 2.5 × 10 टू द पावर 9 हो जाएगा, है ना। ओके, सो 2.5 गीगा हर्ट्स विल मीन 2.5 × 10 टू द पावर 9 हर्ट्स,
ठीक है, एंड 5.0 पी एफ, पी इज पीको, ठीक है, पीको, ओके, सो पीको इज 2 टाइम्स माइक्रो, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो 2 टाइम्स माइक्रो, विच इज 10 टू, माइक्रो इज 10 टू पावर माइनस 6, सो पीको इज 10 टू द पावर माइनस 12, और एफ है, एफ इज फेरनहाइट, ठीक है, एफ जो है आपका फेरनहाइट का यूनिट होता है, सो वो डिग्री, इट्स काइंड ऑफ टेम्परेचर का ही एक यूनिट है ये, ठीक है, तो टेम्परेचर डिनोट कर रहा है ये, ठीक है, 5 × 10⁻²⁻¹² एफ हो जाएगा ये, ठीक है, सो पी अगर वो मोस्टली मोस्टली अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे देखो तो जारी सारी जो छोटी यूनिट्स है जो कि और छोटा छोटा होते जा रहा है, तो ऑल ऑफ देम आर इन लोअर केस, ठीक है, सो इसका मतलब कि इसमें जो पावर है वो रेज टू नेगेटिव है, पावर इज नेगेटिव, ठीक है, और मोस्ट ऑफ द यूनिट्स जिसका आपका यहाँ पे देखो किलो के बाद जितना भी है वो सारा का अपर केस है, क्योंकि ये और बड़ा होता जा रहा है ना, ठीक है, तो इसीलिए अगर आपको यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर ये लोअर केस में है तो इसका मतलब है कि ये और नेगेटिव वाला यूनिट होगा, ठीक है, सो पीको एफ यानी पीको फेरेनहाइट, ठीक है, विल विल मीन 5 × 10⁻²⁰ एफ, विच इज फेरेनहाइट, ठीक है, और ये 5 mΩ है, सो दिस इज ओम, ओम जो होता है रेजिस्टेंस का यूनिट होता है, इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ेंगे तब हम लोग समझेंगे ये सब ओम्स के बारे में, ओम के बारे में, ठीक है, तो अब एम है, एम तो अपर केस है, तो हो सकता है ये बड़ा यूनिट हो, मोस्ट प्रोबेबली इट्स अ बिगर यूनिट विच इज रेज टू पावर पॉजिटिव, है ना, तो अब ये मेगा ओम है, ठीक है, 5 मेगा ओम्स, ओके, सो मेगा इज 10 टू द पावर 6, अब इसके बाद अगर किलो भी हो सकता है, ओम्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो एम के बाद कुछ भी होता है, अब वो आपका इतना मैटर नहीं करता यहाँ पे इस कंटेक्स्ट में, तो यहाँ पे एम का मतलब आपका 10 पावर 6 हो गया, ठीक है, तो शुरू शुरू में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आपको, बट वंस यू गेट यूज टू दीज थिंग्स देन इट विल बी ईजी, ठीक है, ओके, सो 2 ms, m छोटा है यानी कि ये कुछ तरह से इट विल बी नेगेटिव पावर, है ना, सो 2 ms, s इज सेकेंड्स, है ना, अभी मिली सेकेंड्स जैसे लेट्स से कोई रेस होती है, ठीक है, लेट्स से इट्स इफ इट्स अ रिले रेस और मे बी इट्स अ स्प्रिंट, ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना, जैसे बहुत ही मिली सेकेंड्स से किसी ना किसी का आगे पीछे हो जाता है, ठीक है, सो विनर विनर और उसका रनर अप जो होता है वो मोस्टली मिली सेकेंड से डिफरेंस होता है, ठीक है, तो वो टाइम का डिफरेंस होता है ना, तो मिली इज वेरी इवन इवन स्मॉलर देन सेकेंड, एक सेकेंड देखो ऐसे फट से 1 सेकेंड हो जाता है, उसका भी 1 मतलब डिवाइडेड बाई 1000, वो 1000 पार्ट्स उसको और छोटा करो तो उतना छोटा होता है मिली सेकेंड, ठीक है, सो 2 ms विल मीन 2 × 10⁻³, यानी कि जो 2 सेकेंड्स को आप 1000 टाइम्स और डिवाइड कर दो, है ना, उसको और बांट दो, छोटा 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 और छोटा कर दो उसको, है ना, सो दैट विल बी 2 ms, ठीक है, और यहां भी आप नोटिस करोगे तो m जो है वो लोअर केस है, ठीक है, तो यहां पे ms, ठीक है, सो होपफुली यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा, अब नेक्स्ट सेक्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या क्या है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें SI ही है, ठीक है, क्योंकि अभी जो यूज़ हो रहा है वो स्टैंडर्ड SI ही है ना, इसके अलावा जो CGS FPS वो नॉलेज के लिए अच्छा है कि वो क्यों था और क्यों बंद हो गया, वो भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, क्यों बंद हो गया, क्योंकि इसमें बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटीज़ है, लेंथ मास और टाइम ही है, इसके अलावा कुछ क्वांटिटी है ही नहीं, जबकि कितनी सारी और भी क्वांटिटीज़ है जो हमको मेजर करनी होती है, जैसे कि करंट हो गया या फिर करंट हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, लाइट का जो ल्यूमेंस हो गया वो मेजर करना है हमको, उसके अलावा अभी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेजर करना है, एंगल मेजर करना है, सॉलिड एंगल मेजर करना है, तो ये सब के बारे में इसमें इंफॉर्मेशन है नहीं CGS और FPS और इवन MKS में, ठीक है, ये तीनों एक दूसरे का सिमिलर चीज ही है, बस थोड़ा बहुत आगे पीछे इन्होंने करके बना दिया अलग अलग सिस्टम, बट तो इसीलिए अब SI सिस्टम हमारा आया,
जिसमें मोस्ट ऑफ द यूनिट्स को हम लोगों ने इंक्लूड किया, सारे यूनिट्स को इंक्लूड किया और इसको स्टैंडर्ड कर दिया, ठीक है। SI इज फ्रेंच वर्ड, ठीक है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, विच इज ट्रांसलेटेड इनटू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। SI इसलिए आप सिस्टम इंटरनेशनल आप याद रख सकते हो, SI यूनिट्स, ओके। और ये क्यों हुआ वो हमने बता दिया। उसके अलावा अब SI में क्या क्या यूनिट्स होते हैं, तो आपके टोटल कितने होते हैं, 9, ठीक है। जो 7 यूनिट्स होते हैं वो मेन यूनिट्स होते हैं, इसके अलावा आपके 2 जो है था एडिशनल होता है या कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं वो एंगल यूज एंगल के लिए होता है, तो एक एंगल हो गया, एक सॉलिड एंगल हो गया, और एंगल हम यहाँ पे डिग्री में नहीं बट रेडियंस में मेजर करते हैं, वन इज रेडियंस, वन इज ST रेडियंस, ओके। और इसके अलावा यूज ऑफ प्रीफिक्स, प्रीफिक्स के बारे में हमने ऑलरेडी काफ़ी चर्चा कर ली है। तो अब प्रीफिक्स में दो तरह के प्रीफिक्स हैं यहाँ पे, एक तो जो बड़ा हो रहा है और एक जो छोटा हो रहा है, ठीक है। तो जो नेगेटिव पावर होता है वो छोटा होता है, यानी आप उसको और डिवाइड करते जाओ, ठीक है, उसको और छोटा करते जाओ, ओके। तो अब नेक्स्ट जो सेक्शन है उसमें हमारा ये सब चीज़ काफ़ी काम आने वाला है, ओके। सो ये प्रीफिक्स काफ़ी काम आने वाला है, तो इसको ध्यान से आप ध्यान में रखिएगा अपना, ओके। सो होपफुली सब कुछ इंटरेस्टिंग चल रहा है अभी तक और यू आर नॉट गेटिंग बोर्ड, ठीक है। तो समझने के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखेंगे तो इट विल बी मोर इंटरेस्टिंग, ठीक है, रादर देन एग्जाम पर्सपेक्टिव, ओके ओके। देन दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास, थैंक यू सो मच, बाय बाय।